हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ब्लूटूथ स्पीकर, जिसमें हमने दो स्पीकरों का यूज किया है रिवर्स में करो कर कर, तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई ने बोला करने का तो करने का। ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने के लिए मैंने पीवीसी पाइप के पीस काटे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 12 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर दो पीस, 6 सेंटीमीटर बाई 12.5 सेंटीमीटर एक पीस, जिसमें ये होल कर रखा है, इसमें बेस एडिटर लगेगा, और दो पीस 6 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर जिसमें स्पीकर लगेंगे, और 7 सेंटीमीटर बाई 6.5 सेंटीमीटर दो पीस, और एक ये पट्टी है जो कि 1 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर की है। तो इसमें आप स्पीकर को चिपका लेते हैं। हमने दोनों स्पीकर को चिपका लिया है, उसके बाद बेस रेडिएटर को चिपका लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि हम इसमें करो बेस सिस्टम बनाने वाले हैं, तो आपको उसके बारे में मैं फुल जानकारी दूंगा। तो इसकी पीस चिपकाते हैं। तो पीस चिपकाने के लिए आप सोच रहे होंगे ब्लूटूथ स्पीकर की क्या ज़रूरत, तो ये 90 डिग्री के एंगल पर है, इन सभी पीसेस को चिपकाने में हमारी हेल्प करेगा। इस ब्लूटूथ स्पीकर की भी आप फुल वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो इस पट्टी को इसमें चिपका देना है, मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। ये जो स्पीकर है इनको हम रिवर्स में लगाने वाले हैं ऐसे, जिससे इसकी बेस अच्छी आएगी। तो इस पट्टी को हमने चिपका दिया है, उसके बाद एम सील या बोन टाइट को इस पे लगा देना है, ताकि कहीं से भी एयर लीकेज ना हो। तो इस स्पीकर में हमने एम सील लगा दी है, इसमें कहीं से भी एयर पास नहीं होगी। अब इन स्पीकर को इस बॉक्स में चिपका देते हैं। तो इसमें हमने दोनों स्पीकरों को चिपका दिया है, तो अब इन स्पीकरों पर वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने दोनों स्पीकर पर वायर कनेक्ट कर दिए हैं, अब इस पीस को भी इस पर चिपका देते हैं। इसमें स्विच को चिपकाते हैं, ये मैंने ऑन कर लिया स्विच को चिपकाने के लिए। तो स्विच चिपक चुका है, अब इसमें चार्जिंग मॉड्यूल को चिपकाते हैं। ब्लूटूथ स्पीकर में लगाने वाले हैं हम एक मोबाइल की बैटरी, जिस पर हमने दो वायर कनेक्ट कर लिए हैं। तो इस बैटरी को इस ब्लूटूथ स्पीकर में चिपकाते हैं। तो बैटरी इसमें चिपक गई है, अब इसके कनेक्शन करते हैं। तो इसमें हमने दो वायर और कनेक्ट कर लिए हैं, अब चार्जिंग मॉड्यूल में इन वायरों को कनेक्ट करते हैं, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए।
5803 क्लिक मॉड्यूल में स्पीकर के वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, इसके कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके कनेक्शन समझा दिए डायग्राम के थ्रू, आप देख लेना। लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट, ग्राउंड में ग्राउंड और प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। बस सिंपल है इसके कनेक्शन। अब इन मॉड्यूल को चिपकाते हैं। तो इन्हें तो हमने कनेक्ट कर दिया है, अब स्विच में कनेक्शन कर लेते हैं। तो अब इन दोनों वायरों को कनेक्ट कर देते हैं और इन पर सोल्डरिंग कर देते हैं। इसके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी भी आपको कनेक्शन समझ में नहीं आए तो मेरी फर्स्ट वीडियो देख लेना ब्लूटूथ स्पीकर की, जिसमें मैंने इसके सभी कनेक्शन समझाए हैं। तो अब इन वायरों पर चेक लगा देते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इस ब्लूटूथ स्पीकर के सभी कनेक्शन हो गए हैं। अब इस पर ये पीस चिपकाते हैं। तो इसका पीस चिपक गया है। अब सीधे इसकी टेस्टिंग पर आते हैं।